किसी ने कुछ सोचा? दोस्तों एक आइडिया आया है। अरे बताओ क्या आइडिया है। देखते हैं कालिया कितना अच्छा आइडिया देता है। आइडिया ये है कि हम भीम के लिए केक बनाते हैं। तो केक भी उस्ताद जितना ही बड़ा होगा। बोलो। कम से कम कोशिश करके ही देख लेते हैं। भीम को गिफ्ट में और क्या दे सकते हैं? भोलू पानी देना। भोलू नमक देना। अभी दूध दो मुझे। इतनी देर हो गई, अभी तक बना नहीं तुम्हारा केक कालिया? डन डन, मेरा केक हो गया तैयार। मेरे पास एक आइडिया है, रुको अभी आया। राजू ये कौन सा आइडिया है? हम सब भीम को एक घुड़सवारी कराते हैं, देखो तो कितना प्यारा घोड़ा है। अच्छा जरा चढ़कर तो दिखाना। उस्ताद हम भीम के लिए एक जन्मदिन सॉन्ग गाएंगे। चुप रहो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साल गर्मियों की छुट्टियों को मनाइए और भी खास, क्योंकि भीम के बर्थडे पर हम ला रहे हैं आपके लिए तोहफा एकदम झकास। तो हो जाइए तैयार। ये छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान 31 मई से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। Diggy diggy dum dum, 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 diggy diggy dum dum. हमारा जहाज, वो बड़ी काली लहर, मेरे दोस्त भीम, चुटकी, जग्गू। दोस्तों तुम सब ठीक तो हो ना? हम ठीक है भीम, लेकिन कप्तान सैन, इन्हें बहुत बुरी टक्कर लगी थी। इस टापू पर जरूर कोई मदद होगी। हल्ला वल्ला चलो, वल्हला चलो। इतने छोटे छोटे जहाज। हल्ला वल्ला हल्ला वल्ला राजकुमार, हम ले आए इन्हें। दोस्तों हम फेनिर हैं, वल्हला के राजकुमार। राजकुमार मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हमें लुटेरों से बचाने के लिए शुक्रिया राजकुमार। वल्केरी ने बहुत जहाज डुबाए हैं। राजकुमार ये वल्केरी है कौन? भीम ये बहुत पुरानी कहानी है। सालों पहले वल्हला के साथ जहाज और उसके काले समुद्र पर हमारे पिताजी का राज था। उनके जादुई ताज और जहाजों से 7 समुद्रों में हम वाइकिंग्स का बहुत नाम हुआ। लेकिन हम में से कुछ वाइकिंग्स इन जादुई जहाजों से समुद्र को लूटना चाहते थे और एक रात बगावत हुई। लेकिन हमारे महाराज के होते वल्हला के जहाजों का गलत इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। फिर उस रात ऐसा युद्ध हुआ जिसमें वल्हला और वल्केरी की किस्मत बदल गई। धोखे से वल्केरी ने महाराज को मार दिया। उस रात जो भी जहाज पर था उसे श्राप लगा कि जमीन पर पैर रखते ही वो राख हो जाते, लेकिन वल्केरी ने इस बात का भी बदला लिया। वो कैसे राजकुमार? वल्केरी ने हमें जमीन पर कैद कर दिया। लुटेरे ना किसी जहाज को बाहर जाने देते ना अंदर आने देते। हम सब सालों से हमारे ही घर में कैद हैं। राजकुमार फनीर, हम सब वल्केरी की इस कैद से जरूर निकलेंगे। भीम, क्या तुम अब भी वल्हला के ताज की खोज पे जाओगे? जी राजकुमार, मैं मेरा वादा पूरा करूंगा। भीम, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, वो देखो। भीम, हमारी ये खोज सबसे अलग होगी। भीम की सेना चली मिशन पे करने अपना काम। वाह दोस्तों, ये कितना सुंदर है ना? चलो दोस्तों, फनीर का ताज ले आए। वल्केरी राजा बनेगा, आखिर वो दिन आ ही गया। वल्केरी, 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 वल्केरी। हम फिर मिले भीम, मेरे भैया का ताज लेने आया हूँ मैं। तुम्हें ताज के बारे में कैसे पता? लड़के, इस काले समुद्र की हर लहर मेरी गुलाम है। जाओ ले आओ ताज। वल्केरी, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। पकड़ लो इन्हें। ये लुटेरों का ताज नहीं। नहीं, उसके पास ताज है। वल्केरी, जग्गू को छोड़ दो। आप लोग आ गए। वनीर, घर चलो। भीम, अगर मैंने टापू पर पैर रखा तो? वनीर, कुछ नहीं होगा, हमारे पास ताज है। भीम, ये क्या? हमारा ताज एक लुटेरे के पास? राजकुमार फनीर, ये कोई लुटेरा नहीं, आपका भाई है। लुटेरा? मेरा भाई? तुमने हरा दिया वल्केरी को। ले आए तुम वल्हला का काला मोती। राजकुमार, ये आपके बड़े भाई हैं, जिसे उस रात वल्केरी चुरा ले गया था। हाँ फनीर, वल्केरी ने भी यही कहा था। हैप्पी बर्थडे भीम, हैप्पी बर्थडे भीम, हैप्पी बर्थडे भीम। जन्मदिन मुबारक हो भीम। भीम, तुमने मुझे एक लुटेरे से राजा बना दिया। तुमने वल्हला के समुंदर से वल्कायरी का डर मिटा दिया। फेनीर, वनीर, आपकी मदद करना हमारा फर्ज था। लेकिन अब हमारे ढोलकपुर वापस जाने का वक्त आ गया। भीम, तुम्हें अपना ये जन्मदिन अपने नए दोस्तों के साथ मनाना पड़ेगा। नहीं वनीर, भीम अपना हर जन्मदिन ढोलकपुर में मनाता है। भीम, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हम तुम्हारे जन्मदिन पर ढोलकपुर को वल्हला ले आए। जन्मदिन की बधाई हो भीम। जन्मदिन की बधाई हो भीम। भीम, तुमने वल्हला के लोगों के लिए जो किया, इसलिए हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। चलो जन्मदिन मनाते हैं। राजकुमारी नीलम की गजब कहानियाँ। देखो, पूरी रात किताब मत पढ़ना, अच्छे से सो जाना। हाँ, राजकुमारी नीलम के हथियार। राजकुमारी इंदुमती, वो भी अकेले। मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। बना दो मुझे हट्टा कट्टा लड़का। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिमजिम हुआ, चिमचुम हुआ। बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कौवा। कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और अगर कल का सूरज डूबने से पहले तुम ये जादू तोड़ नहीं पाओगी, तो तुम बन जाओगी हमेशा के लिए कौवा। लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। चूड़ी, भीम चोर है। राजकुमारी, मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम, भागो। अब भीम महल के पास भी नहीं आ सकेगा, और इंदु, तुम पिंजरे में से कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो। क्या कर रहे हो भीम? हाँ? तो तुम हो, तो फिर ये राजकुमारी आप? ये राज किसी को पता नहीं चलने वाला। हाँ। क्या हो रहा है? और भी बच्चे कौवे बनने के लिए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें हमारा जादू दिखाते हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या हुआ राजकुमारी? मैं बनने चली थी एक साहसी राजकुमारी, लेकिन सब गड़बड़ कर दी। राजकुमारी, तुम साहसी ही नहीं, एक सच्ची दोस्त भी हो। हाँ, तुमने ही तो मुझे सैनिकों से बचाया था और जादूगरनी को अपने अंदाज में सबक सिखाया। सच? केले की कसम। कालिया, कालिया, कालिया। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। हाँ, ये क्या हो रहा है? चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? हाँ। तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलू शुरू करो अपना गाना। तुम्हारा असली मनोरंजन। है भीम और चुटकी की टीम। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये दो बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ। और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं। वो देखने चले? हाँ, चले 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 चले। आओ, चलो। मस्त गैराज है ना मेरे मामा का। हाँ? मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चपड़ चपड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ। पहलवान खुद को कहते हैं पर सारी कसरत हमसे कराते हैं। कुछ कहा तुमने? ये देख ढोलू, ये टुकड़ा तो बिल्कुल उस्ताद के चेहरे जैसा दिखता है और ये तो एकदम उनके पेट जैसा। अब चाहिए तो सिर्फ पैर, पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करें। मेरा एक मित्र है जिन्हें ऐसी ही एक परेशानी है। मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ये इन दोनों के गाने की सिफारिश करेंगे। बोलू पहाड़ तोड़ स्टार्स। कल तक हम इनके गाने का मजाक उड़ा रहे थे और अब देखो कितने मशहूर हो गए हैं। इतना अच्छा है, मैं ढोलू भोलू के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने सुना है कि ढोलू भोलू की वजह से राजा महाराजाओं ने पहाड़ों को तोड़कर सड़क और पुल बनाए हैं। हाँ। कालिया, तुम्हें तो अपने दोस्तों की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। सारे गाने चंदा। हम सोचे उस्तादों से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। हटिए मेरे रास्ते से। डोलू बोलो। डांस करना है तो ऐसे करो, ऐसे। डांस पर अरे उस्ताद तुम गलत वक्त पे आए हो। यो उधर पर जा रहे हैं। बैम बैम वहाँ पर तो है। लेकिन मैं तुम कहाँ है? वो तो बहुत मशहूर हो गए हैं। उनके पास दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भोलू कितना व्यस्त हो गए हैं। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उनकी बहुत धमाके की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े पहाड़ की वजह से पास के एक राज्य का रास्ता बंद हो गया है। उस राज्य के महाराजा ने हमें उस पहाड़ को तोड़ने का काम दिया है। ये क्या है? संभल के उस्ताद, धमधम के महाराजा ने दिया है हमें ये यंत्र। कालिया फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। चलो एक बार कोई मुश्किल बात सोच कर देखते हैं। हमारी दुनिया में आसमान नीला नहीं गुलाबी होगा। केक और आइसक्रीम्स लगेंगे और सबसे जरूरी हमारी दुनिया में हमारे दोस्त भीम, राजू, जग्गू, चुटकी और उस्ताद होंगे। ये कैसी दुनिया है? स्वर्ग नहीं, ये ढोलू भोलू की दुनिया है। खाओ, पियो, खेलो, ऐश करो और नाचते मोर और पेड़ पर झूला। कल्पना करके मुझे महाबलवान, महावीर, तलवार बाज योद्धा बना दो। और अब एक बहुत बुरा, बहुत बड़ा, खतरनाक दरिंदा ले आओ। चलो करके देखते हैं। कल्पना करो कि ये गायब हो जाए। जल्दी करो ढोलू भोलू। कोशिश करो ढोलू भोलू, तुम इस दरिंदे को कल्पना से बना सकते हो तो गायब भी कर सकते हो। नहीं हो रहा। काली बेरी खाने का असर था, शायद असर खत्म हो गया है। मेहमान और प्यारे दोस्त सब तो यही है। हमें माफ कर दो उस्ताद। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। खुशी है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। लेकिन इससे पहले कि हम घर जाएं, भोलू भोलू तुम्हें हम सबको कुछ सिखाना पड़ेगा। अपने पैर ऐसे रखो, अपनी कमर यूँ घुमाओ, यूँ।